हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक स्वागत है आपका डाउट बुक के नए वीडियो पर। मैंने टेलीग्राम में, फेसबुक, व्हाट्सएप में हर जगह चैनल और ठीक पेजेस और ग्रुप बने हुए हैं, तो यहाँ पर जा करके जरा उनको क्वेश्चन आया करो, उनको सॉल्व किया करो। बहुत सारी क्यूज आती हैं, उन क्यूज को सॉल्व किया करो यार। सफलता पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। सफलता पाने के लिए पूरे शरीर में और अपने दिमाग में करंट पैदा करो। वो करंट कैसे पैदा होती है मैं आज आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक, ये एकदम रेलिवेंट चैप्टर है और रेलिवेंट आप डेफिनेटली एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, या आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, या बिहार एसआई मेंस हो, या यूपीएसआई के जो आगामी एग्जाम है, जो आने वाले एग्जाम है, इनमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, दिस इज आर रेलिवेंट टॉपिक। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं, बातें हम करते हुए आगे देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये जो आपका टॉपिक मैं आज उठा रहा हूं, ओशियन करंट यानी महासागरीय जलधारा है, इससे एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है। ये होती क्या है पहले हम इसको समझेंगे। ओशियन करंट, ओशियन करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं महासागरीय, महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। और हमें बहुत सारी जलधारा पढ़नी है तो इसलिए इसको हम बोल देंगे महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं में हम देखेंगे ये जो होती हैं अटलांटिक ओशियन में मिलेंगी, अटलांटिक अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो भागों में, फर्स्ट नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, देन साउथ अटलांटिक, ओशियन करंट। हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग साउथ अटलांटिक ओशियन करंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग पैसिफिक ओशियन करंट इसको देखेंगे। इसके बाद फिर इंडियन ओशियन करंट है, इंडियन ओशियन करंट। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा और हिंद महासागर की जलधारा। तो अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम देखेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ना वो अटलांटिक ही रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पैसिफिक की, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फिर इंडियन ओशियन की। तो हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मेहनत करो यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं आप सभी लोग। अपने अंदर जुनून पैदा करो, जुनून। चलिए मैप बनाना सीखिए फिर अब, ऐसे आप लोग अलास्का बनाते रहें। बना रहे हैं भाई सब की नहीं बना रहे हैं? अरे बनाइए भैया, आप ही के लिए तो सब बना रहा हूं मैं, अपने लिए थोड़ा ना बनाऊंगा। इसके पहले जो हमारा ज्योग्राफी की एक वीडियो पढ़ी थी घास के मैदान की, उसमें कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस गए थे। तो भैया देखा करो ना, देख के चले जाते यार, इसका एक दो नंबर से रुक रहा होगा जीएस पे, वो कवर कर देता उसका। लेकिन आप लोगों को सुनने ही कहा है, आप लोगों को लगता है बस हम ही जो पढ़ रहे हैं वही सही पढ़ रहे हैं। मैप बनाना बहुत अच्छे से इसको सीखिए आप लोग, कैसे मैप को ड्रॉ किया जाता है।
ये है अलास्का, यूएसए, अलास्का यूएसए का पार्ट है। इसको फिर यहां पर हम देखेंगे, ये कनाडा, मिनी इंडिया भी इसको बोलने लगे हैं आजकल लोग। भैया सारे इंडियन जाकर के, हमारे जितने भाई बंधु हैं सब यहीं जाकर के बस गए हैं। इसको बहुत अच्छे से आप सभी लोग ड्रॉ करें। यूएसए ये मैक्सिको है, यूएसए मैक्सिको, देखेंगे मध्य अमेरिका के कुछ यहाँ पर देश है। इसके बाद से ये दक्षिण अमेरिका, इसको पक्षियों का, सांपों का, जीव जंतुओं का भी देश कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका, ये मैं जब आपको ओशियन करंट पढ़ाऊंगा तो इसमें पूरब और पश्चिम इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए ये पूर्वी क्षेत्र है। मैं जब पूर्वी बोलूंगा तो ये पूर्वी रहेगा, मैं जब पश्चिम बोलूंगा तो ये पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऐसे ही इसमें ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो आप समझ गए होंगे ये पूरब पश्चिम क्या है भाई, ये मूवी का नाम नहीं है पूरा पश्चिम, ठीक है ना। अब हम जब इसको देखेंगे, हमें जरूरत अटलांटिक महासागर के, जब हम जलधारा पढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत है, हमें नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें फ्रांस की जरूरत पड़ेगी, नॉर्वे की पड़ेगी, फिनलैंड की पड़ेगी, तो हम उनको भी देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने नोट कर लिया होगा। ये इसका फियोर्ड तट कहलाता है, फियोर्ड तट, ये यहां पर ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क में, ये यूएसए में। यहां पर एक छोटा सा और द्वीप है, इसकी भी हमें जरूरत है, इसको बोलते हैं आइसलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड है। आइसलैंड के बाद हमें कुछ और द्वीपों की आवश्यकता है, नॉर्वे, नॉर्वे है, ये स्वीडन है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको नॉर्वे की। फिर हम नीचे देखते हैं, ये यूके है, अभी आपको मालूम होगा ब्रेक्जिट से यूके अलग हुआ है। इसके नीचे फ्रांस है, फिर स्पेन है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका,
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, फ्रांस है, स्पेन है, फ्रांस, स्पेन, यूके, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, यूएसए, मैक्सिको। इतने की हमको जरूरत पड़ेगी अटलांटिक महासागर के ओशन को समझने में। अब यहां से हम इक्वेटर ड्रॉ करते हैं, आपको मालूम होगा 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो इक्वेटर है ये आपकी इधर आ गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा, ये इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब टॉपिक बातें, जो जलधाराएं थी वो इसकी जरूरत क्यों होती है, हमें क्या इससे पता चलता है और सागरों पर कैसे कैसे ये काम करती है। जो महासागर होते हैं, जैसे आप लोग नदियों को देखते हैं तो नदियों की धाराएं लहराते हुए निकल जाती हैं, ऐसे ही सागर महासागरों में भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो उनको हम समझते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से अगर हम देखेंगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट टॉपिक है एकदम। जल धाराओं को बनने का जो निम्न कारण होता है, नंबर फर्स्ट पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है इसमें टेम्परेचर, यस। फिर नेक्स्ट है इसमें जो पहले से ही कोई जलधारा चल रही हो वो आने वाली अपने या आगे की जलधारा को क्या करती है, उसको धकेलती है, तो इससे भी यहां पर उत्पन्न होती हैं जलधाराएं। वो जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ये तापमान के कारण ये दो प्रकार की हो जाती हैं, एक ठंडी जलधारा एक गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा जो होती है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है, फिर सुनिए, ठंडी जलधारा जो होती है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है, और जो गर्म जलधारा होती है वह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। यानी हम एरो के माध्यम से, यदि आप किसी भी बुक, बहुत अच्छी बुक में आप पढ़ रहे हो तो उस बुक में आप देखिएगा, जो एरो ऊपर से यानी पोल से आ रहा हो इक्वेटर की ओर और उसका एरो डाउन एरो हो वो होती है ठंडी जलधारा, और जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रही हो यानी पोल की ओर जा रही हो वो होती है गर्म जलधारा। इनको समझने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ फिगर, इसको बहुत अच्छे समझिए। ये जो सेक्टर है पूरा ये अटलांटिक महासागर है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, ये साउथ अटलांटिक महासागर है। विषुवत रेखा के यानी इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर के नीचे है तो साउथ अटलांटिक। अब हम देखेंगे यहां से 0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास उत्पन्न होती है, 0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास एक जलधारा उत्पन्न होती है जो 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक जाती है कैरेबियन सागर की तरफ नीचे की तरफ और एक निकलती है एंटलीज की, यानी ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एक ये आपकी जा रही है कैरेबियन सागर पर, कैरेबियन सागर पर, कैरेबियन सागर, या इसको हम बोलते हैं कैरेबियन की जलधारा, कैरेबियन की जलधारा, ये गर्म जलधारा है याद रखना। फिर ये मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री पर ये विभाजित हो जाती है, इसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसका नाम होता है एंटलीज की जलधारा, इसको हम बोलते हैं एंटलीज, एंटलीज की
जलधारा। यह भी गर्म जलधारा होती है, यह आपको दिख रहा होगा, यह फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा है और ये खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। तो इस खाड़ी के तट पर एक जलधारा उत्पन्न होती है जो फ्लोरिडा के पास होती है, जिसके कारण इसको फ्लोरिडा की जलधारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो जलधारा उत्पन्न होगी वो फ्लोरिडा की जलधारा होगी, फ्लोरिडा फ्लोरिडा की जलधारा। याद रखना ये कौन सी जलधारा होगी, ये फ्लोरिडा की जलधारा होगी, ये गर्म जलधारा होती है। फिर ये जब आगे की तरफ बढ़ती है, ये एंटलीज जब आगे की तरफ बढ़ती है तो यहां पर एक अंतरीप पड़ता है जिसका नाम होता है हेटरास अंतरीप, हेटरास अंतरीप, हेटरास अंतरीप, हेटरास अंतरीप। यहां पर एक फ्लोरिडा की जलधारा उत्पन्न हुई जैसे मैंने आपको बताया, तो हेटरास अंतरीप के पास ये एंटलीज की जलधारा के साथ मिल जाती है फ्लोरिडा की जलधारा, यानी फ्लोरिडा की जलधारा एंटलीज की जलधारा से कहां पर मिलती है, हेटरास अंतरीप पर मिलती है। तो भाई हेटरास अंतरीप के पास जब ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं तो वह कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो एक नई जलधारा तैयार हुई उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, इसको गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहा जाता है, ये भी गर्म जलधारा है। आप देख रहे हैं एरो विषुवत रेखा से पोल की तरफ जा रहे हैं यानी ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, तो और तो ये कैसे जलधाराएं हो रही हैं, गर्म जलधाराएं हो रही हैं, गल्फ स्ट्रीम। आपको मालूम होगा जब ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में जब मिल जाती हैं, मिल करके जब टकराती हैं तो एक घना कोहरा उस क्षेत्र पर उत्पन्न होता है, वहां पर प्लैंकटन नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इन प्लैंकटन नामक घास को छोटी मछलियां खाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां भी खा जाती हैं, तो वहां पर जो मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। रीज़न क्या है, प्लैंकटन नामक घास का जो क्षेत्र यहाँ पर जनरेट होता है वो मछलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक और पैसिफिक ओशियन में जापान के पास यानी क्यूरोशियो की जलधारा, तो यानी पैसिफिक में क्यूरोशियो और अटलांटिक में ग्रैंड बैंक, यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। तो गल्फ स्ट्रीम जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यहां से एक जलधारा आती है बे ऑफ बैफिन से, बैफिन की खाड़ी से एक जलधारा, ये 15 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहां पर ये 30 डिग्री, यानी ये जो जनरेट जो हुई ये 30 डिग्री पर हुई है, 30 डिग्री पर, याद रहेगा। फिर हम नेक्स्ट बे ऑफ बैफिन से जो आती है जलधारा उसको बोलते हैं हम लोग लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा याद रखें, यानी लेब्राडोर की जलधारा। आप देखेंगे जो पोल से लेकर के इक्वेटर तक आ रही हैं उनको मैं रेड से दिखाऊंगा, यानी ठंडी जलधाराओं को, ये लेब्राडोर याद रहेगा सबको, लेब्राडोर, लेब्राडोर की जलधारा, ये कैसी जलधारा है भाई, ठंडी जलधारा है। आप देख रहे होंगे इसका एरो नीचे की तरफ है यानी पोल से ये इक्वेटर की तरफ आ रही है। लेब्राडोर के साथ जब गल्फ स्ट्रीम जब मिल जाती है तो वहां पर क्या बनता है, ग्रैंड बैंक। ये जो फील्ड आपकी तैयार हुई, ये जो ठीक पूरा पूरा क्षेत्र है ये ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक मछली उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, ग्रैंड बैंक। यानी ये जो जलधारा है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब मिल करके उत्तर और पूर्व की तरफ आगे जब बढ़ती है तो ये तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है, इसकी थ्री ब्रांचेस हो जाती हैं।
एक होती है जो आइसलैंड के नीचे से निकल जाएगी, यहाँ देखेंगे आइसलैंड के जब नीचे से इसकी एक शाखा निकलती है तो वह इर्मिंगर, इसको इर्मिंजर भी कहते हैं, इर्मिंगर। इर्मिंगर की जलधारा, इर्मिंगर की जलधारा याद रहेगा आपको, इर्मिंगर की जलधारा। यह गर्म जलधारा है, इसका जो एरो है विषुवत रेखा से पोल की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद इसकी दूसरी एक डिस्ट्रीब्यूट होगी यहां से, आप देखें जो नॉर्वे के तट से निकलती है, जो नॉर्वे के तट से होकर के निकल जाती है उसको नॉर्वे की जलधारा कहते हैं, नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, फ्रांस के और स्पेन के बीच से निकलती है, फ्रांस के तट या स्पेन के बीच से निकलती है, फ्रांस और स्पेन के बीच से, रेनल की जलधारा, रेनल की जलधारा, रेनल की जलधारा। यह भी कैसे जलधारा है, गर्म जलधारा है, जो रेनल की जलधारा है एक गर्म जलधारा है। देखिएगा फ्रांस और स्पेन के बीच से जो निकल गई रेनल की जलधारा। एक मैंने आपको बताया था कि जो जलधाराओं के चलने का एक मैंने पॉइंट आपको ये भी बताया था, जो पुरानी जलधारा होती थी वो क्या करती थी, अपनी आगे वाली जलधारा को पुश करती थी यानी धकेलती थी, उससे भी एक जलधारा उत्पन्न होती है। तो यानी यहाँ से एक जलधारा जो क्या करेगी, अपनी आगे वाली जलधारा को फिर पुश करती थी यानी इसको धकेलती थी, तरफ है कनारी, कनारी की जलधारा, कनारी की जलधारा या ठंडी जलधारा। आपने देखा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की जलधाराएं हैं, ऐसे ही हम साउथ वाले का भी देखेंगे, फिर आपका पूरा एक बार रिवाइज करा देंगे और डेफिनेटली एग्जाम में आपको एसएससी सीजीएल के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका मिलना ही मिलना है। तो फिर ठीक आगे हम देखते हैं, ऐसे ही सेम यहां पर आपको मालूम होगा अंटार्कटिका है, ऐसे ही सेम 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जब जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से ये जब आगे की तरफ बढ़ती है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक न्यूगिनी की तरफ निकल जाती है, न्यूगिनी, इसको न्यूगिनी की जलधारा कहते हैं, न्यूगिनी, न्यूगिनी की जलधारा, जिसको हम लोग गिनी की धारा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अब इसका एक जो पार्ट होता है ये ब्राजील है, तो ब्राजील के तट से घूमने लगता है यानी तट से ब्राजील के पूर्वी तट से टकरा करके ये घूमने लगता है और ये ब्राजील की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो ये जो जलधारा है ये ब्राजील की गर्म जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। ये जब जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर फॉकलैंड है, फॉकलैंड से और अंटार्कटिका से ठंडी जलधाराएं आगे की तरफ बढ़ती हैं और ये ब्राज़ील की जलधारा को यहाँ से अंटार्कटिका से पछुआ पौने आगे की तरफ धकेलती हैं, कहाँ की तरफ यानी पूर्वी क्षेत्र की तरफ, पूर्वी क्षेत्र की तरफ जब इसको ढकेलती है तो यहाँ पर जो जलधारा बनती है वो फॉकलैंड की जलधारा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था फॉकलैंड, यहाँ पर जलधारा जो है वो फॉकलैंड की जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है।
बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, ठंडी जलधारा है। और यह जब जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है और यह आगे की तरफ बढ़ते हुए निकलती है तो अफ्रीका के फिर तट से यह घूम जाती है जलधारा। ये जब घूम करके ऊपर की तरफ जाती है तो यह है बेंगुला, बेंगुला, बेंगुला की जलधारा। यह भी कैसे जलधारा है भाई? ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। देख रहे हैं आप लोग, ये पोल से इक्वेटर की तरफ से आ रही है, यानी फॉकलैंड की जलधारा भी हो गई, ब्राजील की जलधारा भी हो गई, न्यू गिनी की जलधारा भी हो गई, इसके बाद बेंगुला की जलधारा भी हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हमने सभी जलधाराएं गर्म और ठंडी इनकी देख ली। तो भैया पढ़ो दोस्तों, ठीक, कैसा लगा वीडियो आपको? लाइक और शेयर अगर करना हो तो कर दीजिए, अदरवाइज मेहनत तो मुझे करनी ही करनी है हमको, ठीक, डाउट बुक की तरफ से। थैंक यू।